पहले भाई पेट्रोल पंप ढूंढते थे, अब हमें चार्जर ढूंढना पड़ेगा। फाइनली मेरी ये जो गाड़ी है मिल गई। इसको लेने के पीछे दोस्तों एक रीजन, सबसे पहला तो यही है कि मैं सबसे ज्यादा ओला में ही ट्रिप्स लेता। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और अभी वंश और इसकी मम्मी निकल जाएंगे गुड़गांव। जी हाँ, और मैं जा रहा हूँ द्वारका अपनी स्कूटी की डिलीवरी लेने। हाय दोस्तों, हम लोग मैंने ट्रेन की खिड़की से नानी घर का घर देखा था। A few moments later. द्वारका में जहाँ मुझे स्कूटी की डिलीवरी लेनी थी वहाँ आ चुका हूँ दोस्तों। टोकन मिल चुका है मेरे लेने। मैं आया था स्कूटी, सनी ले लिया भाई। सनी ने ले लिया, देख लो, चेक करके आओ भाई, सब चला के आओ। तो फाइनली मेरी ये जो गाड़ी है मिल गई। अभी देखो 4:05 लगभग हो गया, तो मीटर एक बार दिखा दूं भाई। अभी सबसे पहले सनी भाई जो है टेस्ट राइड ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 किलोमीटर अभी चला हुआ है टोटल, ठीक है। और हमने गाड़ी ले ली है जस्ट द्वारका से। गूगल मैप का जो लोकेशन है वेयर हाउस का, अगर जानना हो तो वो मैं डाल दूंगा। है हाँ, कह रहा आप सनी मेरी ले जा रहा है, मैं इसकी ले जा रहा हूँ। तो अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना दोस्तों, मैं GoPro 7 से कर रहा हूँ। ओ बॉय, अपनी गाड़ी जो है सनी चला रहा है, कैसा लग रहा है देख लो। तो काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पहले ही बता देता ना इन लोगों को कि भाई मैं यूट्यूब पे हूँ, ऐसा ऐसा ये वो, तो फिर जल्दी हो जाता। मैंने कुछ ऐसा बताया, आइडेंटिटी नहीं बताई, नॉर्मल एज ए राइडर जो है, एज ए ड्राइवर मैंने बुक करी इसको और लेके आया हूँ। 5,000 रुपये दिए थे और 15 तारीख को मैंने दिए थे और आज जाके मिली है। भाई सनी यहाँ से हमें अलविदा करेगा, थैंक यू सो मच आने के लिए। और हमारी गाड़ी जो है अब जाएंगे हम पूजा वूजा कराएंगे भाई। घर पहुंचने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि यहां से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है। एवरेज दिखा रहा है मतलब ये 80 किलोमीटर निकाल देगा, ठीक है। तो हम कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद आगे की करेंगे। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है ना ओला लेने का, तो मैंने एक एजेंट के थ्रू लिया था। एजेंट को मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, ठीक है, डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए थे। और अब यहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना वेयर हाउस का, वो मेरा थोड़ा ख़राब है क्योंकि ये आपको सीधा गाड़ी निकाल के देंगे आईडी वगैरह वेरीफाई करने के बाद। डॉक्यूमेंट एक नंबर होता है, टोकन काट के देंगे, फिर वो गाड़ी आपकी जो है विद इन 1 घंटा और 2 घंटे में दे देंगे। जो भाई आज यहाँ मिले थे ना, जो मुझे जानते हैं, वो लोग भी शायद वीडियो देख रहे होंगे, वो ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, एक भाई देखो चला रहे हैं। तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो गाड़ी आपको देंगे और फिर आप झेलो इसको जो भी है। वो आपको ना कोई कस्टमर सपोर्ट नंबर देंगे या कुछ नहीं देंगे, ना वो बता रहे हैं कि भैया ये है वो है। मैं उससे पूछने भी गया काउंटर पे, है ना, तो ये थोड़ा लगता है जैसे अगर आप नया खरीदोगे, ठीक है इधर मोड़ना है, तो अगर आप नया खरीदते हो, जैसे मैं और अतिन भाई गए थे, इन्होंने नया खरीदा है क्योंकि भाई उसमें आपने 1.5 लाख रुपये दिया, हाँ ये इंडिकेटर दिया है मैंने, तो उसमें क्या है कि आपको सब कुछ बताएगा A to Z, मतलब कुछ भी, ये इस फंक्शन का ये है, इस फंक्शन का ये है। लेकिन इसमें आपको क्या है कि गाड़ी दे देंगे और बोलेंगे भैया झेलो अपना, जिसमें जो कस्टमर केयर नंबर आता है उस पर कॉल कर लेना कोई दिक्कत हो तो। जबकि वो नंबर मैं अपने रजिस्टर नंबर से मिला रहा हूँ तो बोल रहा है कि नंबर मान्य नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर मुझे अभी कोई दिक्कत आ गया तो मैं सपोर्ट सिर्फ मैं अतीन से ही ले पाऊँगा क्योंकि इनका कोई सपोर्ट नहीं है। भाई ये मैं द्वारका में चला रहा हूँ अभी, और ये लग नहीं रहा है कि दिल्ली है, ऐसा लग रहा है भाई मैं नोएडा में ही चला रहा हूँ। एकदम खाली खाली रोड, बढ़िया है, पर थोड़े रोड के जो ना वो पैच हो रखे उबड़ खाबड़ सा, बाकी सब कुछ खुला खुला है, अपने नोएडा जैसे ही फील आ रहा है। यहाँ बैक टू बैक जो है ना कारों की डिलीवरीज हो रही है, वो देखो वहाँ पे टोयोटा की हो रही है, बीच में मारुति हो रही है। अरे कहाँ है चार्जर भैया? एक्सपल्स में मेरी जो वॉइस आती थी ना, वो मैं थोड़ा सा उसमें से साउंड नॉइज हटाता था, इसमें मुझे नॉइज हटाने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ जी पाजी, चार्जर मैप क्या दिखा रहा है? तो पहले भाई पेट्रोल पंप ढूंढते थे, अब हमें चार्जर ढूंढना पड़ेगा। भाई 10 लीटर डाल दो। अरे यहाँ वो कहाँ है चार्जिंग वाला? सो बोला चार्जिंग, हाँ आ जाओ अतिन भाई आ जाओ। अरे शुक्रिया भैया, ये रहा, शुक्रिया भाई, मिल गई चार्जर, मिल गया चार्जर भाई साहब। ये है मेरे लाइफ का पहला चार्जर ओला का। अबे पीछे नहीं जाती यार ये, ऐसे ही नॉर्मल चालू में ही, नहीं ये पीछे नहीं जा रही। रिजर्व करो ना। कैसे लगाते रिजर्व? आर लिखो, आर बटन बस दबा दो।
भाई बड़ा तेज जा रहा है पीछे ये तो। नहीं पीछे चार्ज होगा ना तो ऐसे लगाता हूँ। हाँ नहीं कर लेते फिर, मैं तुम मत करो मैं कर लेता हूँ। ये बढ़िया है भाई, कार है क्या ये? जो भी 80 कर ले, अभी 76 है, देख लेते कितना होगा। ये हाइपर है ना? बस ठीक है फिर करते हैं भाई। अच्छा ये प्रेस करो, ये सही है, बाहरी बार हो जाएगा काम है। अभी फ्री है चार्जिंग क्या? वोल्टा बिन लगा रहा मैं, लगाना एक बार इसको। लाओ छोड़ो, ये सॉकेट दो इधर है, दो इधर है, तीन ऊपर है, तीन ऊपर है। कैसे लगता है ये भी देख लो भाई, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है ये सब। अब ये घुस गया। हाँ कुछ करना है, पैसे वैसे लेगा कुछ? मैं फर्स्ट टाइम कर रहे हो, करो चार्ज। मेरे को तो जरूरत नहीं पड़ी। नहीं ऑन तो करो, खराब है भाई ये काम नहीं कर रहा, इसको हटाते हैं। ये देखो एक बार लगाया तो ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस हो गया, हल्का प्रेस करके। ये वो है क्या, स्टॉप स्टार्ट का बटन है क्या इसका? ये वाला भाई हम लोग का पहला एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है कि मत पूछो ही मत। आ गए स्टेशन पे और पता ही नहीं लग रहा कैसे करना है चार्ज। नहीं कभी ट्यूटोरियल भी नहीं देगा ना यूट्यूब पे वीडियो कि कैसे होता नहीं होता। पहला दिन था, बस उठ के आ गए सीधा शोरूम से गाड़ी लिए और आ गए चार्ज करने। तो पता होना बहुत जरूरी है। तो भाई हो गया हमारा, एक्चुअली हमने लगाया और यहाँ पे ना जो क्या था दिन बताता हूँ। अब देखो ये हो रहा है, 76% हो गया। और ये जो ये इमरजेंसी लॉक है इसको ऐसे घुमाना पड़ता है, बस जैसे आपने उसको लगाया ऑन करके और इसको ऐसे घुमाया और ऑन हो गया। अब देख लेते हैं हमने 4:30 पे लगाया है और 100% कितनी देर में होता है, लगभग 25% है। कितना 30 पे लगाया ना हम। तो भाई देखो अतिन भाई भी सोच रहे खड़े खड़े करे क्या, इनका भी चार्ज जो है 72 पे ही है। अब इसको ऐसे घुमाना है बस, ये हो गया, आ गया, आ गया ना। सिंपल सा था ऐसे घुमाना है, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा ये और चार्ज हो जाएगा। बताओ ये देखिए यहाँ पे जो अपडेटेड गाड़ियाँ हैं, हाँ जो मूव ओएस 4 वाली, उसमें सेट लिमिट का भी ऑप्शन आता है कि आप सेट कर सकते हैं कितने तक करना है, कितनी आपको करनी है उतनी, उसके बाद अपना अपने आप बंद हो जाएगा। भाई यार कम से कम हमें 12-13 मिनट हो गया भाई, ये 76 से ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो हो सकता है लॉक हो 76 पे, ये भी हो सकता है ना। लेकिन तुम्हारा भी तो 72 के ऊपर नहीं गया, तो मतलब चार्जिंग में जो है ना वो दिक्कत है। हटा रहे हैं इसको, ठीक है अब इसको हटाओ भैया। A few moments later. देख सकते हो 7:05 हो गए और मैंने मैप माई इंडिया लगा के इस पे आया हूँ और अब नोएडा में घुस रहा हूँ। देख लो तो 49% जो है ना अभी भी बैटरी बची हुई है और मेरी गाड़ी जो है अपनी ओला S1 एयर भाई साहब 40 किलोमीटर चल चुकी है टोटल मीटर, आप देख सकते हो। मैंने इसको 2 किलोमीटर पे लिया था, ठीक है, मतलब 38 किलोमीटर। भाई साहब देख लो यार, हम छोटे मोटे भी जा रहे हैं, मतलब घुसे जा रहे हो नॉर्मल में। इसके हिसाब से अगर देखूँ तो भाई ये जो है कम से कम 100 किलोमीटर निकाल देगा सिंगल बंदे में। बट हम मैंने जिस पर्पज़ के लिए ली हुई है वो है भाई ओला बाइक टैक्सी, क्योंकि ये ओला में ही काम करना है, हमें इसी से कमाना है और तभी हम कंपनी को जो है भाई पैसा भी देंगे। तो कमाई के लिए अब डबल चलेगा, तो डबल में आप सीधा सीधा जो है ना 15-20% बैटरी और घटा दो आप, मतलब ओवरऑल ये 80 किलोमीटर आपका बड़े मरे से मरा भी चलेगा ही चलेगा नॉर्मल मोड में। 80 किलोमीटर मान के चलो 100% बैटरी पे, 100 से 90 तक अगर है तो। तो भाई पूजा पाठ कराना है घर पे पहुंच के, अब आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 7:15 तो यही हो गया, पहुंचते पहुंचते 8 बज जाएगा। अब कल करेंगे और कल से ही जो है काम स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं पता, ये वीडियो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और भाई मतलब अच्छा लग रहा है चलने में। इसमें एक दिक्कत है, जैसे ही मैं रोकता हूँ ना इसको बिल्कुल स्लो कर देता हूँ तो इसका मोटर हल्का हल्का ऐसे ऐसे करता है। ये S1 ओला S1 एयर का जो Gen2 ओला S1 प्रो जो यूज़ कर रहा है ना अतिन, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देख अपन ने भाई कमाने के लिए लिया है, इसलिए इसका पूजा पाठ कराया, बिना हम स्टार्ट नहीं करेंगे राइड। और 40 किलोमीटर भाई खाली आया हूँ घर तक, 50 किलोमीटर हो जाएगा और ये मेरी लंबी ट्रिप हो गई इसमें।
और भाई चैलेंज है मेरा पूरे यूट्यूब में हर किसी को कि भाई देखो इको मोड में किसी का 50 चला है ओला S1 एयर और मेरा चल रहा है भाई। ये देखो दोस्तों इको मोड में फुल थ्रोटल दे रखा है लेकिन ये 42-43 से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 42 से ऊपर नहीं जाएगा, अगर ढलाई होती है तो 43 तक दिखा देगा बट जाएगा नहीं उससे ऊपर। ये देखो अभी मैं अगर इसको मोड चेंज करता हूँ, ये नॉर्मल मोड में जो है ये देखो 70 पे ब्लॉक हो रहा है भाई, 70 बहुत है स्पीड, और इको मोड पे ये 43 पे जाता है। थ्रोटल देते रहोगे 70 से ऊपर नहीं जाएगा नॉर्मल में, और क्योंकि ओला S1 Pro में जो ना तीन ही मोड इस समय हमारे लिए दिया हुआ है जो बाइक टैक्सी के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ओला रेंट वाला, जिसने अपना ख़रीदा उसका पता नहीं। ये भी गाड़ी अच्छी है, एम्पियर मैग्नस, ये हब मोटर के संग है ना गाड़ियाँ, थोड़ी सी दिक्कत तो है, बस ये है कि ट्रैफिक में जितना कम से कम हो सके भाई ब्रेक का अप्लाई करो। ये भाई देख रहा हूँ दबा के रखा हुआ है, देखो मैंने ब्रेक छुआ तक नहीं है, है ना, बिल्कुल लास्ट में जरूरत है तो दबा रहा हूँ नहीं तो नहीं। बंस A few moments later. टाइम देख रहे हो भाई 11:23 हो गए। देखिए इस स्कूटी को लेने के पीछे दोस्तों एक रीज़न सबसे पहला तो यही है कि मैं सबसे ज़्यादा ओला में ही ट्रिप्स लेता था, तो मैं सोचा कि यार देखिए ओला में ही ले ही रहा हूँ और 5000 में अभी हाल फिलहाल में कोई भी ऐसा रेंट का सिस्टम है नहीं, तो मैं सोचा यार सही है 5000 रुपये दे के आराम से अपना बना लूँगा, अपन तो वीडियो भी बनाते हैं तो बढ़िया हो जाएगा और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, देखिए अच्छा लगा कि भाई जहाँ से मैंने, हमारे नीरज भाई हैं टेक राइडर, उन्होंने मुझे बोला था कि सही है उनसे कर लो, तो ऑनलाइन मैंने बुक कर दिया था, ठीक है व्हाट्सएप पे उनको डिटेल दे दिया था, 15 तारीख को करा था और आज 28 तारीख है, 3 दिन बोला था उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे, बट टाइम लग गया ड्यू टू होली छुट्टी या जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत डिले करा होगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पता है कि मेरे पास ऑलरेडी 3 से 4 बाइकें हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं अपने मैनेज कर लेता हूँ। तो अब आज ये मिल गया, आई एम सो हैप्पी। कंपनी के CEO और जो बाकी मैनेजमेंट टीम है उनको थैंक्स कहना चाहूँगा तहे दिल से, क्योंकि यार देखिए ये गाड़ी जो है 1.25 लाख रुपए का, अब आप सोचो सिर्फ 5000 रुपए दे के आपको 1.25 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है। ऐसे ही पहले भी मिलती थी 2019 से पहले ओला फ्लीट, उसमें भी मिलती थी, और ये इन्होंने वो अलग से फाइनेंस कराना पड़ता था कार में, दूसरे कंपनी से फाइनेंस, ये वो लोन लेना पड़ता था, तो उससे बर्डन पड़ती थी कंपनी पर। बट ये क्या है, ये खुद की कंपनी है, कंपनी की मतलब निजी कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स हैं तो इनको ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा थोड़ा सा, क्योंकि खुद की है ना। बट हाँ ये बहुत उसके लिए जिगरा चाहिए भाई, जो मैनेजमेंट टीम बैठी है या सबसे पहले तो जो CEO बैठे हैं हमारे भवेश अग्रवाल जी भाई, उन्होंने सोचा राइडरों के लिए कि यार देखिए गाड़ी तो हम बना ही रहे हैं और हमें इसको फैलाना है इंडिया में, तो क्या कर सकते हैं, तो भाई ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सभी के लिए कि भाई 5000 रुपये में सारे राइडर्स जो भी काम करना चाहते हैं इच्छुक है उनको दो जिसकी आईडी है। मुझे इसमें बुरा क्या लगा, देखिए डिलीवरी के बाद जब मैंने डिलीवरी ली उस समय पे क्या है कि जो मैंने अंदर गया देखा बहुत सारी गाड़ी लगी हुई थी और अपनी गाड़ी को सर्च किया और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी डॉक्यूमेंट्स देने थे वहाँ पे फिजिकल दिखाना था, जो मैंने दिखाया अपना DL और आधार कार्ड पैन कार्ड ये दिखाना होता है, वहाँ पे फिल करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, एक एग्रीमेंट होता है जो कि पूरे शायद 7 या 8 पेज का है, उसमें आपको सिग्नेचर करना होता है। एग्रीमेंट का मैं ए भी नहीं पढ़ा हूँ भाई साहब, है ना, और ना ही आप में से जो वीडियो देख रहा होगा वो पढ़ा होगा उस एग्रीमेंट में क्या है, तो मैं सोचा पढ़ूँ बट वहाँ पे इतना नहीं है टाइम कि आप पढ़ सकते हो। बट जो वीडियो अगर देख रहे हो मैनेजमेंट टीम से या उस जगह से, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी आ रहा है उसको आप गाड़ी दे रहे हो ना, तो एटलीस्ट उसकी अच्छाई और बुराई बताओ। अच्छाई बुराई का सेंस है कि भाई आप गाड़ी ले रहे हो वेल एंड गुड, इसमें अगर कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसमें ऐसा कुछ हो जाता है तो इसमें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भाई ये ऐसा कुछ भी बता ही नहीं रहे थे और मुझे भी बड़ा डिसअपॉइंट लगा इस चीज़ से कि यार आप 1.25 लाख रुपये गाड़ी दे रहे हो 5000 रुपये में। हाँ जो एम्प्लॉय है उसके जेब से नहीं जा रहा है क्या, उस वजह से गलत है ये तरीका। आप लोगों को बताना चाहिए कि भाई इसमें अगर ये दिक्कत आ सकती है तो इसको ऐसे कर सकते हो इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, तो इसको लेके मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। बट कोई नहीं, हम लोग जो है यूट्यूब से भी
सर्च कर लेंगे, चीज़ें जान लेंगे, पढ़ लेंगे, और मेरे जैसे जो क्रिएटर और भी है वो बता देंगे। और चीज़ दोस्तों देखिए, हाल फिलहाल मैं सोच रहा था कि टारगेट वगैरह होगा, बट ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अब तक तो नहीं मिला है मेरे को, और फ्यूचर में जब कोई कॉल वॉल आएगा तब देखेंगे। अदरवाइज़ अपना जो नॉर्मल मैं काम करता हूँ ना, पाँच घंटा वही काम करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में यही था, बाकी कुछ भी सवाल अगर आपका हो, रुको, स्कूटी से रिलेटेड, या फिर जो 5,000 रुपये में भाई 1.5 लाख की स्कूटी मैंने ली है, कैसे क्या, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट पे बेहिचक पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों का रिप्लाई करने के 100% जो है कोशिश करूंगा, ठीक है। और बाकी आने वाले जो ब्लॉग्स होंगे उसमें आपको सारा डिटेल धीरे धीरे पता लग ही जाएगा। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।